मनुष्य अपना भला चाहता है, दूसरों का भला नहीं चाहता है। एक भगवान भोलेनाथ का भक्त था और भगवान भोलेनाथ की उसने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उससे कहा कि वरदान मांग लो, ये मांग लो, वो मांग लो, लेकिन वो वरदान मांगने को तैयार नहीं था। तू ये घंटा ले ले और ये घंटे से तुझे जो भी चाहेगा वो तुझे मिल जाएगा। इस घंटे को तुझे हलाना पड़ेगा और तुझे मांगना पड़ेगा, लेकिन एक बात है भक्त। उस भक्त ने कहा, भगवान ऐसी कौन सी बात है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस घंटे से अगर तू तेरे लिए एक मांगेगा तो गांव वालों के लिए दो देना पड़ेगा मुझे। तो उसने उस घंटे को ले लिया और घंटा लेकर घर आ गया। बहुत गरीब था, उसके काफी बच्चे थे। उसने घंटे को घर में बांध दिया। उसने सोचा कि अभी अगर कुछ मांग लूंगा तो गांव वालों का भला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा रुककर मांगता हूं। उसने एक दिन जब वो ज्यादा ही परेशान हो गया, भूखा मरने लगा, उसके बच्चे भूखे मरने लगे क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे थे। उसने घंटे को उतारा। घंटे को उतारने के बाद से कहा, हे घंटा महाराज, आज मुझे एक कुंडल गेहूं चाहिए। तो शंकर भगवान ने उसे एक कुंडल गेहूं दे दिया और गांव वालों को दो दो कुंडल गेहूं दे दिया। दिमागदार था और आप स्वार्थी था, वो किसी का भला नहीं चाहता था। दूसरे दिन उसने घंटे को उतारा। घंटे से कहा, हे घंटा महाराज, हे भोलेनाथ, मुझे एक मकान चाहिए। तो उसका एक मकान बना, गांव वालों को दो दो मंजिल मकान बने बनाए मिल गए, भला हो गया। वो देख देख कर बहुत क्रोधित होता है। वो कहता है मन में, रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारा इलाज मेरे पास है। अब तीसरी बार उसने घंटे को उतारा और घंटे से कहे, शंकर भगवान, मुझे एक गाय दे दो, मेरे पास दूध खाने को कुछ भी नहीं है। उसके पास दूध खाने के लिए एक अच्छी गाय भगवान ने दी और गांव वालों के दो दो गाय दे दी। अब ऐसा हो गया, वो चकाचक हो गया, गांव बस्ती बिल्कुल चकाचक, भगवान की मौज हो गई, किसी बात की कमी नहीं, सब धनवान हो गए। एक दिन उसने गुस्से में आकर घंटे से कहा, हे घंटा महाराज, मैं ज्यादा परेशान हो गया, मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी तो एक आंख फूट गई और गांव वालों की दोनों ही आंख फूट गई। बोल सतदेव शंकर भगवान की जय। और उसने कहा, हे घंटा महाराज, मेरी आज एक टांग टूट जाए। इतने में ही शंकर भगवान आ गए, ये घंटा मुझे दे दे वरना तू अकेला ही मरेगा, गांव वालों को सबको मार डालेगा। तो आप स्वार्थी व्यक्ति ऐसे होते हैं कि दूसरों को देखकर नहीं सुहाते हैं। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।